NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह. 17वीं लोकसभा में पिछली बार से 26% ज्यादा दागी बैठकर कानून बनाएंगे. जी हां, 2014 में 185 दागी सांसद जीतकर संसद पहुंचे थे, जो कि सभी सांसदों की संख्या का करीब 34% था. इस बार यह संख्या 233 हो गई है, प्रतिशत भी बढ़कर 43 पर पहुंच चुका है. 2019 के आम चुनाव पर एक नजर डालें तो इस बार के चुनाव में भाजपा से सबसे ज्यादा दागी सांसद संसद पहुंचेंगे. पार्टी के कुल सांसदों में इसका हिस्सा करीब 39% रहा. इस बार के सांसदों की बात करें तो अपराधों के आरोपी सांसदों की संख्या भाजपा में 87, कांग्रेस में 19, जेडीयू में 8, YSRCP में 8, DMK में 6, शिवसेना में 5 और तृणमूल में 4 है. हलफनामों से पता चला है कि इस बार 10 प्रत्याशी ऐसे भी जीते जिन्हें किसी न किसी मामले में अदालत द्वारा सजा दी गई है. इसमें भाजपा के 5, कांग्रेस के 4 और YSRCP के भी 1 सांसद हैं. इसमें 11 सांसदों पर हत्या के आरोप हैं, जिनमें 5 भाजपा के हैं. 30 सांसदों पर हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज हैं. 29 पर भड़काऊ भाषण के मामले हैं. इस चुनाव में जीतने वाले 475 सांसद करोड़पति हैं, जो कि कुल सांसदों का 88% है. यह भी कहा जा सकता है कि हर 10 में से 9 सांसद करोड़पति हैं. गौर करें तो यह संख्या पिछली बार से 32 और 2009 के चुनाव से 160 अधिक है. 2009 के मुकाबले करोड़पति सांसदों की संख्या 51% बढ़ चुकी है. चुनाव में जीत के मामले से करोड़पति होना कितना फायदेमंद है, इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि करोड़पति प्रत्याशियों में से 21% चुनाव जीते. वहीं जिन प्रत्याशियों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से कम थी, उनकी जीत की संभावना भी 1% ही रह गई थी. इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे भारतीय राजनीति के लिए आपराधिक छवि और करोड़पति होना जरूरी है. देश और दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव. नमस्कार. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट.